राजस्थान के झालावाड़ में झालरापाटन सदर थाना क्षेत्र के बोरदा गांव में सोमवार की रात एक दलित युवक की बिंदोरी, एक प्रकार की जो रस्म होती है, वो निकल रही थी। इस दौरान कुछ शरारती तत्वों ने पथराव कर दिया। पत्थरबाजी में बिंदोरी के आगे चल रही डीजे गाड़ी के शीशे टूट गए। पथराव में डीजे के ड्राइवर और दूल्हे के जीजा को चोटें भी आई हैं। पुलिस की मौजूदगी में बिंदोरी निकाली जा रही थी, बावजूद इसके पत्थरबाजी की घटना देखने को मिली। पथराव के दौरान कुछ देर के लिए मौके पर भगदड़ की स्थिति भी बन गई थी। इस मामले में पुलिस ने पत्थरबाजी के आरोप में 3 युवकों को हिरासत में लिया है। वहीं घटना के बाद दूल्हे ने बिंदोरी निकासी रोक दी, जो वापस दोपहर को निकाली जाएगी। चलिए आपको दूल्हे की बाइट भी सुना देते हैं। झालरापाटन सदर क्षेत्र के बोरदा गांव निवासी मेघवाल समाज के दूल्हे रामलखन मेघवाल ने बताया कि शादी की रस्म के तहत सोमवार दोपहर को गंगाचरी निकाली जा रही थी। तभी गुर्जर समाज के लोगों ने उनके मोहल्ले से गंगाचरी नहीं निकालने की धमकी दी थी। दूल्हे ने आगे क्या कुछ कहा, आप इस बाइट में सुन सकते हैं। मेरा नाम रामलखन मेघवाल, पिता कावलाल मेघवाल, जाति मेघवाल, निवासी बोरदा का रहने वाला हूँ। मेरी शादी 29/4/2024 को थी, जो निकासी 8 बजे हमने चालू की थी, वो गुज्जर समाज के लोगों द्वारा रोकी गई। प्रशासन की मौजूदगी में मैंने पहले प्रशासन को अवगत करवा दिया था, उसके बावजूद प्रशासन वहीं पर था। उसके बाद भी हमारे ऊपर पथरावबाजी की गई और हमारे लोगों के ऊपर पथरावबाजी किया गया और हमारे लोगों को चोटें लगी और प्रशासन के सामने ही डीजे के ऊपर और गाड़ियों के ऊपर उन्होंने पथराव किया, जिससे हमारे लोगों की चोटें भी आई है। इससे यह साबित होता है कि दलित परिवार जो ऐसे समाज है, उनके ऊपर अत्याचार हर जगह होता रहा है और आज खुद मेरे ऊपर भी हुआ है। गौर करने वाली बात तो ये कि शिकायत करने के बाद सदर पुलिस की मौजूदगी में ही रात्रि में दूल्हे की बिंदोरी निकाली जा रही थी। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में भी पथराव देखने को मिला और उसके आरोप भी लगे। बहरहाल पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और गांव में पुलिस का जाब्ता तैनात है। ऐसी घटनाएं झालावाड़ जिले में पहले भी हो चुकी हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट के साथ।